दुनिया की हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। वक्त, जगह और मार्केट उसकी कीमत लगाते हैं, लेकिन इंसान दुनिया की वो वाहिद चीज है जो अपनी कीमत खुद लगाता है, जो अपनी कीमत खुद बनाता है। इंसान समझता है कि शायद वो कीमती है, शायद दुनिया उसकी कीमत देगी, लेकिन याद रखना कि कीमत जब भी लगती है तो इंसान की सलाहियत की लगती है, इंसान की काबिलियत की लगती है, इंसान के काम की कीमत लगती है। अगर आप खुद को काबिल बनाकर मार्केट में नहीं लाएंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कीमत जब भी लगेगी आपके एक्सपीरियंसेस की लगेगी, कीमत जब भी लगेगी आपकी स्किल्स की लगेगी, आपके अंदर मौजूद उस काबिलियत की कीमत दुनिया देगी। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप कभी भी इस मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। इंसान समझता है कि शायद वो कीमती है, लेकिन कीमती इंसान का किरदार होता है, उसका मायार होता है, उसकी काबिलियत होती है। हाँ, एक बात याद रखना कि शायद दुनिया ये सोच रही है कि उसके पास स्किल्स होंगी, उसके पास एक्सपीरियंसेस होंगे तो वो मार्केट में आकर छा जाएगी, लेकिन याद रखना कि जो स्किल्स और एक्सपीरियंसेस के साथ साथ किरदार और मायार की चीज़ों पर पूरा उतरता है, दुनिया उसकी कीमत देती है। अगर आपके पास एक सोच, एक नज़रिया, एक किरदार, एक अखलाक है तो फिर दुनिया आपकी कीमत देगी, क्योंकि एक्सपीरियंसेस और स्किल्स वाले इस दुनिया में लाखों करोड़ों फिर रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। शायद वो समझ रहे थे कि दुनिया हमारी कीमत देगी, हमारे स्किल्स की कीमत देगी, हमारे एक्सपीरियंसेस की कीमत देगी, लेकिन कंपनी और दुनिया जब भी किसी इंसान को हायर करते हैं तो स्किल्स और एक्सपीरियंसेस के साथ साथ उसके किरदार, उसके मायार, उसके नज़रिए, उसकी सोच को सबसे ज़्यादा परखते हैं। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक वीडियो के अंदर कुछ लड़के कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं। जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसी असना में एक लड़का कहता है, यार तुम्हारी बारी बाद में है, तुम अपनी टाई कुछ देर के लिए मुझे दो, मैं अंदर लगा के चला जाऊं, वापसी पर मैं आकर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन कुछ लड़के उसे ना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं टाई देने से, लेकिन एक लड़का उठता है, उसे टाई दे देता है। कुछ देर के बाद जब रिजल्ट निकलते हैं तो पता चलता है जिस लड़के ने टाई दी थी वो हायर कर लिया गया है, कंपनी ने उसे हायर कर लिया है। जब हकीकत खुलती है तो पता ये चलता है कि जो लड़का टाई मांग रहा था वही लड़का इस कंपनी का बॉस था, वो बिहेवियरल टेस्ट करने के लिए बाहर आया था लड़कों का, और जिस लड़के ने टाई दी थी उसके पास स्किल्स भी थी, एक्सपीरियंस भी था, लेकिन उसका किरदार उसे जितवा गया था, उसका किरदार उसकी सिलेक्शन का सबसे बड़ा सबब बन गया था। बाकी सबके पास स्किल्स थी, एक्सपीरियंसिस थे, डिग्रीज थी, लेकिन उन किरदार की कमी की वजह से वो आज वहाँ पर फेल हो चुके थे। अगर आप स्किली हैं, एक्सपीरियंसेबल हैं, तो याद रखना कि अपने अंदर किरदार और मायार भी पैदा करना, यही चीज़ें तुम्हारी कीमत भी बढ़ाएंगी।